शाम का टाइम। दोस्तों ये पता नहीं यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। तो ये मुझे पता नहीं है, जिस किसी को भी पता हो मुझे ज़रूर बताना कि ये क्या हो रखे हैं। ये बहुत सारे हो रखे हैं यहाँ अंदर भी, ये देखो ये यहाँ भी हो रखे हैं ये। तो ये मुझे बताना कमेंट में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी हरी मिर्ची के पेड़ नानी ने लगा रखे हैं, नानियों ने। ये है नारंगी का पेड़ जिसमें बहुत सारी नारंगी आ रखी है। इस समय चारों ओर हरा भरा हो रखा है, बेल सॉरी ओर हो रखी है, ये देखो। और ये है लौकी का बेल, पर इसमें एक लौकी नहीं लगी है अभी, देख सकते हो आप। बड़ा बहुत बड़ा हो गई है इसकी बेल, पर इसमें लौकी नहीं लगी। और ये देखो दोस्तों, ये है भिंडी की पेड़, इनको पेड़ बोल सकते हैं हम क्योंकि इतने बड़े बड़े हो रखे। ये देखो ये है और ये भी है पेड़, ये नानी है, ये नानी नानी ने लगा रखा है ये लौकी की बेल। इसमें भी लौकी नहीं हुई अभी। और यहाँ पे मामा धुआं लगा रहे हैं गाय में ताकि मच्छर को भगा रहे हैं अभी। और ये हमारी न्यू बाछी है अभी का तो दिन मम्मा थी 20 दिन ना 20 दिन हुएगी ना, अभी इसको 20 दिन हुए। और ये इसकी मम्मी है, तो जिस किसी को ये चाहिए होगी हमें संपर्क करें। और ये इसकी मौसी है और इसकी मम्मी हमने बेच दिया, ये मौसी छूट गई इसकी यही। इसका नाम मंगली है, ये मंगलवार को हुई थी, उस दिन में यही थी, है ना मंगली। अरे मंगली ले मंगली, बहुत तेज है अभी, आप मार जा। यहाँ पे गाय के लिए धुआं लग रहा है ताकि इनको मच्छर और मक्खी ना खाए। और मैं आपको क्या दिखाऊं, ये सारी बेलें लगी हुई है और ये एक यहाँ पे लौकी लगी हुई है, ये देखो ये है सब्जी जो कि है लौकी, लौकी लगी हुई है। यहाँ पे कद्दू के बेल जा रखे हैं पेड़ में, और ये भुट्टे का पेड़ है, इसमें भुट्टा नहीं आया अभी। और लीची का पेड़ है जो कि लीची ख़त्म हो गई है, पेड़ ही पेड़ है। और ये देखो, और ये अमरूद का पेड़ है, तो इसमें अमरूद लगे हुए हैं, कुछ पक भी चुके हैं ये देख सकते हो आप, पर ये ज़्यादा पक चुके हैं तो ये हो रखे हैं ख़राब। और इस अमरूद के पेड़ में चचिंडे की बेल भी है, ये देख सकते हो इसमें बहुत बड़ा चचिंडा लगा हुआ है, ये देखो सांप के जैसे लटका है यहाँ पे। और ये अमरूद लगे हुए हैं बहुत सारे, तो चलिए पहले मैं खा लेती हूँ एक अमरूद तोड़ के। तो ये मुझे सही लग रहा है, कच्चा कच्चा भी, और ये पक्का नहीं है ज़्यादा, तो ये ख़राब नहीं होगा। और अमरूद कच्चे ही अच्छे होते हैं, ज़्यादा पके तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए कच्चे कच्चे ही खाती हूँ मैं भी। बाकी इधर भी अमरूद का पेड़ है, और यहाँ पे कपड़े धो के रखे हुए हैं ये सारे, और ये नानी ने जख्या, ये नानी ने जख्या ला रखा है जंगल से बटोल बटोल के। तो ये अभी कच्चा है, सूख जाएगा जैसे ही इसमें धूप लगेगी, तो ये उससे हो जाएगा सेट।
इतनी सारी ला रखी है। और बाकी ये है नज़ारा, गाँव का। धूप वहाँ चली गई है, इधर साइड पूरी छाव हो रखी है। ये यहाँ पे मंदिर है छोटी सी, और यहाँ पे गोली देखो साबुन से पता नहीं क्या क्या उल्टे काम कर रहा है ये गोली। क्या उल्टे काम क्या है फिर, क्या काम है ये? बलून ऐसे फुलाते हैं, ये साबुन है ना विम बार, बर्तन धोने वाली। अब मार खाएगा, रुक जा, दादी से बोल रही मैं। हाँ, ओ ये दोनों हंस के जोड़े सब बंद हो गए हैं, ये दोनों के दोनों यहाँ पे घूम गए हैं दोनों चूजी। ये तेरे दोनों चूजे कहाँ घूम रहे हैं, सब बंद हो गए। और ये है नानी का गांव, यहाँ पे कोई नहीं है, बूढ़े बूढ़े लोग है बस, और बाकी सब इधर उधर है। अभी इस पेड़ में हरे हरे बम्बू लग गए हैं, जब पीले हो जाएंगे तब इनको खाएंगे, तब उनको खाएंगे। ये आप देख सकते हो। और मामा ने इतना ज्यादा धुआं लगा दिया है कि पूरे गांव के मच्छर भाग जाएंगे। ये देखो ये सारा धुआं यहाँ से जा रहा है, यहाँ से, इससे तो सारे गांव के मच्छर भाग जाएंगे ऐसा लग रहा मुझे। अभी मैं जा रही हूँ नीचे खेत में। हाँ लगे, हाँ ठीक ओके। और शाम की सब्जी का जुगाड़ करने के लिए तो चलते हैं खेत में, देखते हैं क्या क्या है। वैसे तो यहाँ पे देखो सारी करेले की बेल ही बेल हो रखी है, और इसमें ये करेले भी लगे हुए हैं ये देखो। तो करेले नहीं लेके जा रही मैं आज, परसों खाए थे, कल नहीं खाए, परसों। तो आज कुछ और देखते हैं खेत में क्या लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं खेत में। और यहाँ पे मेरी बूढ़ी नानी है, नानी कने बिठा नहीं तो। ये मेरी नानी है बूढ़ी, अच्छा कुछ बुना थे क्या को भी बोले थे लोगों को बोले थे कुत्ते क्या बनाए रहा ने बुने ने नहीं बनो वो बोदा गार्डन गार्डन अच्छा मच्छर या मुंड भिंडी है। तो चलिए अभी चलते हैं खेत में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुड्ढी ने पता नहीं क्या क्या सब्जी लगा रखी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सा ये मरसू भी हो रखा है, इससे पतोड़े भी बनाते हैं और सब्जी भी बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारा हो रखा है, ये देखो। सब्जी तो कुछ है ही ना, 10 मिनट बाद कुछ पूजी वाली रू पता। और यहाँ पे बुड्ढी है, बुड्ढी काम कर रही है, घास काट रही है, बुड्ढी काट रही है घास गाय के लिए, सारा घास काट दिया बुड्ढी ने। और यहाँ पे लगे हैं ये तिल के पेड़, अभी ये हरे हरे हो रखे हैं तिल के पेड़, ये देखो। आजकल मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, बड़ा रो दिशा यार प्याल पर्स ने मेरे। तो दोस्तों मैं आई खेत में और सब्जी नहीं है कुछ भी, तो मुझे कुछ घर में ही जुगाड़ करना पड़ेगा सब्जी का। मैं आई थी मूली के पत्ते के लिए और राई की सब्जी के लिए, जो कि अब है नहीं। और अमरूद भी बहुत बेकार हो रहा है, मीठा नहीं है, घलतड़िया घलतड़िया हो रहा है, घलतड़िया घलतड़िया। तो अभी मैं यहाँ वाले खेत में गई हूँ, और यहाँ भी आपको दिखा लेती हूँ मैं कि क्या क्या है यहाँ पे।
ये सारे करेले के बेल जा रखे हैं यहाँ, और ये थोड़ी बहुत दाल है यहाँ पे हो रखी, बाकी कुछ भी नहीं है, राई रुई कुछ नहीं है। मैं आई थी स्पेशल राई के लिए, तो नहीं है। चलते हैं यहाँ से वापस। तो दगड़ियों कुछ नहीं है, कुछ ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और नीचे वाले खेत में जाके ही देखेंगे क्या है इसमें। ये नीचे वाले खेत में चलते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है वैसे तो, खड़ी घास ही घास हो रखी है पूरी। कुछ नहीं है दोस्तों, घास हो रखी है। अमरूद बेकार हो रहा है इसलिए मैं फेंक रही हूँ। तो ये है मूले के पत्ते, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखो। पर ये कैसे हो रखे हैं, ऐसे खराब हो रखे हैं पूरे, इनको कीड़े ने अच्छे से खा लिया है। तो मैं ये घर लेके जाऊंगी, क्योंकि हमारी घर पे मुर्गियाँ हैं और मुर्गियों को हम खिलाएंगे मूले के पत्ते। चलिए फटाफट निकालते हैं इन पत्तों को, फटाफट चलते हैं घर पे। हट, मूला पत्ता होया, वो भी देखिए कितना बेकार हुआ। सारी खराब हो रखी है सब्जी। तो दोस्तों ला गई हूँ मैं ये पूरे खराब खराब पत्ते, इतने बहुत है मुर्गियों के लिए। तो चलिए चलते हैं घर पे। तो ये सब्जी की ऐसी कटिंग करके और हम देंगे मुर्गियों को। और यहाँ पे गोली चिज्जी ला रहा है, क्या खा रहा है गोली? क्या खा रहा है? अच्छा समोसा, वाओ यमी। तो गोली खा रहा है यहाँ पे समोसा, ये। और मुर्गियाँ खा रही है हरी सब्जी। दिन में खाना ठंडा से बनेगा। दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब। देखती हूँ अभी शायद करेला ही बनाऊँ, क्योंकि और कुछ है नहीं। चाची ने कल बनाए और करेले ही बनाऊंगी शायद। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सब्सक्राइब भी करना, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय बाय, करो बाय बाय बाय।